मुरादाबाद की हरतला कॉलोनी में अपने घर के बाहर घर में रहकर कोरोना से सुरक्षित रहने का संदेश दे रही है दिव्यांग महिला। घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में दिव्यांग महिला के मैसेज की सराहना कर रहे हैं क्षेत्रवासी। जीवन में रंगों का अपना ही महत्व है। पूरे देश में कोरोना कर्फ्यू लागू है। प्रधानमंत्री ने 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की है, फिर भी विभिन्न जनपदों से लोगों द्वारा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा। ऐसा ही कुछ हाल मुरादाबाद के हरतला कॉलोनी का भी था। लोगों द्वारा कड़ाई से लॉकडाउन का पालन न होता देख क्षेत्र की रहने वाली दिव्यांग महिला रुचि चौधरी आगे आई और अपने ही तरीके से लोगों को लॉकडाउन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अपने घर के गेट के ऊपर स्टे होम सेफ लाइफ का संदेश दे डाला। रुचि के अनुसार कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब आते जाते जब लोगों की नज़र इस संदेश पर पड़ती है तो अपने आप ही वो शर्मिंदा होते दिखाई देते हैं और दिव्यांग महिला रुचि के मैसेज का पालन करते हैं। लोगों ने दिव्यांग रुचि के जज्बे को सलाम करते हुए लॉकडाउन का पालन करने की शपथ ली है। क्या नाम है आपका? रुचि चतुर्वेदी जी। रुचि जी, ये क्या किस तरह का मैसेज आप कोरोना के अवसर पर दे रही हैं समाज को? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो है कोरोना से लड़ने के लिए फाइट करने के लिए सबको घर पे रहना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो है नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपना जो है वो आह्वान किया, भी आए वो लाइव आए और उन्होंने कहा कि रुकिए लोग नहीं मान रहे हैं। मोदी जी ने शटडाउन कर दिया, पूरी तरीके से भारत बंद कर दिया, लेकिन अभी भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो जब मैं यहाँ से बाहर अपने आती हूँ बगीचे में और देखती हूँ लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो मैंने सोचा शायद इसमें मैं थोड़ा सा अपना सहयोग कर सकूँ और जो है इसीलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई है कि शायद इसे देख के ही लोग अपने घर में रहें और जो है सुरक्षित रहेंगे। हमारे देश की लॉकडाउन करने से हमारे देश की इकोनॉमी को आप समझ सकते हैं कितनी डाउन जा रही है ना। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी ने ये स्टेप लिया है हमारे देश के प्रधान सेवक ने कि जो है पूरा देश को लॉकडाउन किया है तो सोचिए कि उन्होंने कितना सोचा होगा, कितना किया होगा कि जो है देश के लिए हमारे लिए कर रहे हैं वो। अच्छा, आप इस कॉलोनी में रहती हैं, यहाँ कितनी आबादी है? इस कॉलोनी में लगभग होगी 10,000 लोगों की आबादी है। लोग निकलते हुए आपका ये गेट देखते हैं, देख रहे हैं जिसपे एक मैसेज है, तो लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं? कोई प्रशंसा कर रहा है आपकी कार? हाँ, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं दीदी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, आपके थ्रू हम जो है आप घर में रुकने की कोशिश करेंगे। तो जब मैंने ये मैसेज किया था तो चौराहे पर बहुत भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन अब लोग बाग अपने घरों में हैं और इक्का दुक्का लोग ही हैं जो कम तादाद उनकी कम होती जा रही है निकलने की। चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी लोगों से आप? चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप घरों में ही रहिए क्योंकि कोरोना एक ऐसा मेहमान है जिसे आप जब तक लेने के लिए नहीं जाते हैं तब तक वह आपके साथ नहीं आता। यानी आप जब बाहर जाएंगे और किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आएंगे तभी वह आपके साथ आपके घर में आएगा, आपके परिवार में आएगा, फिर आपके मोहल्ले में जाएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर से ना निकलिए, घर में ही रहिए और अपने परिवार वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। क्या दिमाग में आती है आपकी ये पेंटिंग की, क्या मैसेज? किस तरह से मतलब दिमाग में आइडिया आया था आपके? ये आइडिया मेरे दिमाग में इस तरीके से आया कि मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्या कहता है, सब लोग देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब लोग मैसेज दे रहे हैं। ज़्यादातर मैं फेसबुक पे देख रही थी तो लोग वॉइस मैसेज दे रहे थे कि ये कीजिए वो कीजिए, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ अलग करके दिखाती हूँ, मैं लोगों को कैसे संदेश दे सकती हूँ। तो मैंने जो है ये सोचा कि हम अपने घर में तो बहुत पेंटिंग्स बनाते हैं लेकिन अगर हम गेट पर पेंटिंग्स बनाएंगे और आते जाते लोगों को दिखेगा तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार तक ये मैसेज पहुँचेगा और इसी से एक चेन बन जाएगी और लोग अपने घर में रहना शुरू कर देंगे।